प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, हमने अगर रोटेशनल मोशन की बात करें या रोटेशनल मोशन से पहले की बात करें, एक चैप्टर था सेंटर ऑफ मास, मैंने सेंटर ऑफ मास के कंपटीशन के सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, मैं देख के आया हूँ, असाइनमेंट आपके पास है, ये पूरे के पूरे आपके होमवर्क हैं। इसमें से 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल और इजी क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे ट्राई करेंगे और जो नहीं होगा वो डाउट मेरे से पूछेंगे, ठीक है। पहली बात, तो सेंटर ऑफ मास पे टाइम लगा के कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला हमें, सेंटर ऑफ मास आप एक बार ट्राई करना, वो आप रिवाइज करना जो हमने क्लास में किया था, इसको ट्राई करना, आपसे होगा। हाँ, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में एक ही टॉपिक आज तक हुआ है और वो है टॉर्क। तो टॉपिक है टॉर्क, या दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, टॉर्क या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। पहला फॉर्मूला टॉर्क का, टॉर्क इज अ वेक्टर और इसका फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ वेक्टर। पहला फॉर्मूला इसको ओपन करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, पहला फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, दूसरा फॉर्मूला। ठीक, तीसरा टॉर्क निकालने का एक बहुत सही तरीका वो ये कि अगर मान लो आपके पास कोई फोर्स है एफ वेक्टर और ये पॉइंट है ओ और ये सपोज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, तो टॉर्क ऐसे भी निकलता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है एच। तो अगर फोर्स एक्स एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, टॉर्क इज इक्वल टू आर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। क्लियर है यहां तक, ये फॉर्मूला हमने किया। इस फॉर्मूले के बाद, ये करने के बाद क्या करना है हमने, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। और हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, लैडर प्रॉब्लम थी अगर आपको याद हो तो, लैडर प्रॉब्लम हमने कर ली थी और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम भी हमने की थी। पर आज हम क्या करेंगे, बस इन फॉर्मूलाज के ऊपर और नई प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आती हैं। तो इसकी पहली प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है ये रही, जिसमें अ हैवी आयरन बार ऑफ वेट W इज हैविंग इट्स ओन एंड ऑन द ग्राउंड एंड अदर एंड ऑन द शोल्डर ऑफ अ पर्सन। तो बेसिकली क्या है, ये आपके सामने एक बंदा है, ये रहा, वो कह रहा है जी इसने ना कोई रॉड पकड़ रखी है, एक अपने कंधे पे पकड़ रख लेके बैठा है कंधे पे और एक एंड उसका ज़मीन पे है। तो इसके कंधे से लेके ज़मीन तक इंक्लाइन प्लेन की तरह ये प्रॉब्लम हो गई, ये फट्टा रखा हुआ है, एक प्लैंक रखा हुआ है या रॉड रखी हुई है, आयरन बार रखी हुई है, सरिया रखा हुआ है, आयरन बार वो जो सरिया वाले काम करते हैं, सरिया लेके घूम रहे हैं आगे, और ये एंगल थीटा बना रहा है ग्राउंड के साथ। The weight experienced by the person is what? इस बंदे के शोल्डर पे वेट कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, जबकि रॉड का वेट अगर L है, लेंथ L है, रॉड का वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रॉड का वेट एक्चुअल कितना है W, लेकिन उसके कंधे पे W नहीं लग रहा, इतना बड़ा सरिया तो उठा भी नहीं पाएगा, वो घसीट पाएगा, तो उसके कंधे पे फोर्स डिफरेंट लग रही है। तो कितनी लग रही है, मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रही है N, तो मुझे N निकालना है, इसके कंधे पे जो भी एफ लेना है, एन कुछ भी ले लो, इसके कंधे पे फोर्स मुझे निकालनी है, क्या लग रही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, या रादर एक काम करते हैं, एन की जगह एफ ही ले लेते हैं, एफ निकालना है, एफ निकालना है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एड करेगा कितना, एन। अब ये बन गई आपकी लैडर प्रॉब्लम, देख रहे हो दीवार के साथ लैडर लगी हुई, ऐसे किए थे हमने क्वेश्चन, राइट। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लैडर, ये जो आयरन बार है ये घूम नहीं रहा, और अगर ये घूम नहीं रहा तो इसमें ये इसका एक्सिस ले, इस एक्सिस में अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये L है तो cos थीटा क्या होगा, x by L, तो ये क्या होगा, L cos थीटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालिए राइट एंगल ट्रायंगल से, क्या बनेगा, L cos थीटा, कोई डाउट इसमें। उसी तरीके से अगर ये L है तो आधा कितना है, L by 2, अगर ये L है तो हाफ कितना है, L by 2,
तो ये आधा कितना है, एल बाई टू कॉस थीटा, तो आधा कितना है एल बाई टू कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? सही है, तो एक एल, एक एल कॉस थीटा, एक एल बाई टू कॉस थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लैडर की प्रॉब्लम में क्या सिखाया था कि एक लाइन खींच लिया करो जो लैडर में से ऐसे क्रॉस करे, खींच ली लैडर के इस तरफ और लैडर के नीचे की तरफ टॉर्क बराबर कर दो। कैसे? लैडर के इस तरफ फोर्सेस देखें, अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया जाएगा तो एन तो कोई टॉर्क लगाएगा नहीं क्योंकि ये तो खुद एक्सिस पे काम कर रहा है, तो एन का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं। अब डब्ल्यू का टॉर्क देखें, डब्ल्यू 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 का एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर है, एक्स एक्सिस, तो डब्ल्यू इंटू क्या आएगा, एल बाई टू कॉस थीटा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है एफ। अब अगर आप एफ की बात करो तो मैंने एफ ना थोड़ा गलत बना दिया, ये एफ ऐसा बनेगा नहीं, ये एफ ऐसा बनेगा, एफ सॉरी, कंधे पे जो फोर्स है वो ऐसे ऊपर को लगेगी, तो एफ ऊपर लगेगा। अब ये देखो जो एफ फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, एल कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ इंटू एल कॉस थीटा। क्या स्टेप क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ऐसी W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क को इक्वेट अगर किया जाए तो L cos थीटा कैंसिल, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, W बाई टू, आंसर W बाई टू, इज आंसर मार्क कर लेना। तो देखो ना क्या सही प्रॉब्लम बनाई उसने लैडर की, लैडर की प्रॉब्लम लोग घर से ना याद करके रट्टा मार के जाएंगे। कंधा सीधा है मेरा, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा यार, टेढ़ी फोर्स में, टेढ़ी फोर्स, अब मैंने देखो पहले मैंने टेढ़ा ही लिया था, मैं सॉल्व इसलिए कर नहीं पाऊंगा टेढ़ी फोर्स एफ में, फिर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिलेगा, इसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो इसने एज्यूम किया है कि ये सीधा लगेगा ताकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स के लॉन्ग आ जाए, इतना कॉम्प्लेक्स देगा नहीं ना, तो जानबूझ के फिर मैंने इसको सीधा किया, मेरा आंसर तो निकालना है भाई मुझे, ज्योमेट्री ज़्यादा यूज हो जाएगी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? थोड़ी चलाकी दिखानी पड़ेगी तुम्हें भी कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ही फोर्स होगी, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ही फोर्स होगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? तो W बाई टू, इसी साल में फिर एक और क्वेश्चन आया, क्या आंसर होगा? कर क्या रहे हो सॉल्व, डी आंसर है 6 kg। अभी क्या किया था, वही मैन है, बस एंगल क्या कर दिया उसने 60 degree, और मास क्या है 12 kg, तो अगर वही आयरन बार सेम है तो W की जगह आंसर W बाई टू आया था, 6 kg की 12 kg की जगह क्या आएगा 6 kg, आंसर डी आंसर। नेक्स्ट तो क्या क्वेश्चन है, बस मुझे ये मेथड बताओ, इसमें क्या आगे बना है एफ वेक्टर और साथ में क्या आगे बना है आर वेक्टर, आर वेक्टर एफ वेक्टर, टॉर्क वेक्टर निकालना है, तो बोलो क्या करें, आर क्रॉस एफ, याद रखना एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ है, क्या तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आता है, आता है,
तो इसका वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना और क्रॉस एफ आंसर मार्क करना, इसको करने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी है, एफ वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, टॉर्क वेक्टर क्या लगेगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ आंसर है। ठीक है, यहां तक आर क्रॉस एफ आंसर सेम है। ये क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन है ट्राइंगुलर प्लेट इज शोन। देखो इस क्वेश्चन में एफ फैक्टर तो उसने आपको दे दिया, ई पॉइंट पर एफ फैक्टर लग गया, आपको टॉर्क निकालना है, ई पॉइंट पे फोर्स लगी, आपको टॉर्क निकालना है, कब, जब पॉइंट ओ है और जब पॉइंट क्यू है, मतलब ओ है और क्यू है, ओ का मतलब है एक बार रेफरेंस पॉइंट ओ है और एक बार रेफरेंस पॉइंट क्यू है, एक एक करके करते हैं, एफ फैक्टर तो कोई चेंज नहीं है, जब उसने कहा कि पॉइंट ओ है तो आर वेक्टर क्या लें, क्योंकि आंसर वेक्टर फॉर्म में आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ये आर वेक्टर क्या करना है, क्योंकि टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है तो एक्सिस ओ माना जाएगा, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, आर वेक्टर। ऑब्वियसली जब रेफरेंस पॉइंट ओ है और जहां फोर्स लग रही है उनके बीच में दूरी को क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इसके दो कंपोनेंट निकालूंगा ऐसे, अगर ये 10 है तो ये क्या बनेगा, 10 इंटू कॉस ऑफ 60, और ये क्या बनेगा, 10 इंटू साइन ऑफ 60, 10 कॉस 60, 10 साइन 60, तो मैं आर वेक्टर को क्या लिखूंगा बोलो, 10 कॉस 60 आई कैप, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, एंड यहां पर 10 साइन 60 j कैप, क्या ये पॉइंट क्लियर है, r वेक्टर क्या होगा, एक कंपोनेंट x में है और एक कंपोनेंट y में है, x का कंपोनेंट i में है, y का कंपोनेंट j में है, कोई डाउट इसमें? अब सोचो f वेक्टर आपको पता है, r वेक्टर आपको पता है, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में r क्रॉस f करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आई जे के में आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना आंसर आएगा, तो टॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो जो भी आई जे के में आंसर आएगा, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर निकाल लेना, एक आंसर आया। अब आधा क्वेश्चन हुआ, अब आपको फिर से टॉर्क निकालना है, लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस पी नहीं, ओ नहीं लेना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या लेना है, क्यू लेना है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपको क्या करना है, ओ से लेके क्यू लेना है, तो ये पार्ट हो जाएगा सॉल्व, तो मैं मतलब आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपने घर जाके करना है ये, लेकिन आपको समझ में आ रहा है करना क्या है, ठीक, कोई डाउट इसमें? सेकेंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में एफ वेक्टर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो सेकेंड पार्ट में एफ वेक्टर तो सेम है, सेम है आर वेक्टर। अब आपको टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, क्यू, आपको टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकालना है, अगर क्यू निकालना है और फोर्स तो वही लग रही है तो आप आर वेक्टर क्या लेंगे, अब क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपका ओरिजिन, अब पी ओ नहीं है, अब आपका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन कौन है, क्यू है, तो अब आप आर वेक्टर इस पॉइंट से होता हुआ यहां से यहां लेंगे, ये आपका नया आर वेक्टर है, क्योंकि अगर आपको टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है तो फिर ये डिस्टेंस आर वेक्टर हो गया, अगर आपको वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकालनी है तो फिर क्यू और पी तक का आर वेक्टर हो गया। अब आप फिर से इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो एक कंपोनेंट 10 के हिसाब से क्या आएगा, 10 इंटू कॉस ऑफ 60, और एक क्या आएगा, 10 इंटू साइन ऑफ 60,
विदाउट इसमें, तो आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 10 इंटू कॉस ऑफ 60 के पीछे कैप क्या लगेगा, ये अगर वेक्टर है, एक मिनट, इसके कंपोनेंट्स ये बनेंगे, ये रे, तो ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, जे में जा रहा है, वाई एक्सिस है, ये माइनस आए, भाई राइट साइड आए है तो ये लेफ्ट की तरफ है तो पीछे क्या लगेगा, माइनस आए। अच्छा ये देखे, ये वाला कंपोनेंट क्या है, 10 इंटू साइन ऑफ 60, तो क्या बनेगा, प्लस 10 साइन 60 के पीछे जे कैप। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें एक्स राइट है, इसमें एक्स लेफ्ट है, बस नया टॉर्क निकाल लेना, कैसे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अब आर वेक्टर ये लेके क्रॉस एफ वेक्टर लेके टॉर्क वेक्टर आएगा, जो भी आंसर आएगा आई जे के में उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, आंसर मार्क करना, लंबा क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एक बार टॉर्क वेक्टर निकालना है ओ पॉइंट के साथ, एक बार निकालना है क्यू पॉइंट के साथ, निकाल लेना आंसर, होमवर्क करना। समझ में आ रहा है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन डाउट ना रहे, आप घर में एटलीस्ट ट्राई कर सके। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये बार ट्राई करना है अपने घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, एक ना सीढ़ी है, स्टेयर है, ऐसे इस स्टेयर के पास एक सिलेंडर फंस गया, एक क्रॉस सेक्शन सिलेंडर फंस गया, तुम्हें इसे ऊपर चढ़ाना है, तो तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ये बताओ, राइट। और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फोर्स लग रही है ये सीढ़ी है, ऐसे स्टेयर है, इस सीढ़ी से आर डिस्टेंस दूर, रेडियस है, फोर्स तुम इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हो एफ वेक्टर, तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या गिवन है, 90, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो जब ये सिलेंडर घूमेगा ऊपर चढ़ने के लिए तो एक्सिस क्या मानेगा, ये मानेगा, क्योंकि सिलेंडर जमीन से तो उड़ जाएगा, जब उठेगा ये पॉइंट नहीं छूटेगा इसका, तो इस पॉइंट को एक्सिस मानते हुए रोटेशन होगा। अब अगर तुम इसे ऊपर रोल करवा के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, अगर तुम इसे ऊपर चढ़ाना चाहते हो, ये स्टेयर है, तो कौन सी फोर्स, एफ फोर्स लग रही है जो ऊपर चढ़ाएगी, और कैसे टॉर्क जनरेट करेगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो कितनी टॉर्क लगेगी, एफ इनटू, अगर ये एक्सिस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, आर, तो क्या बनेगा टॉर्क, आर एफ साइन ऑफ 90,
एसिड टॉर्क, या साइन 90 रहने दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल दो तो भी सही है। तो फोर्स तो आपको पता ही है, फोर्स आपको पता ही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, आर खत्म, एफ इनटू आर, कोई डाउट है इसमें? तो ये टॉर्क है। अब ये क्यों नहीं चढ़ पा रहा, कौन इसे बैकवर्ड उल्टा घुमा रहा है? इसका वेट, इसका वेट का हेड करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कितना टॉर्क जनरेट करेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है, एक्स। तो यहां पर क्या आएगा, ये जो टॉर्क है क्लॉकवाइज, ये जो वेट का टॉर्क है वो कितना है, एम जी इंटू कितना, एक्स। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कम से कम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल या उससे बड़ा होगा तो ये घूम जाएगा, सही है? ये तुम्हारा प्रोड्यूस टॉर्क है, ये वेट का टॉर्क है जो उल्टा घुमा रहा है इसे, पर तुम्हारा टॉर्क अगर बड़ा होगा तो राइट घूम जाएगा, कोई डाउट इसमें? अब तुम्हें जो फोर्स निकालनी है वो कैसी निकालनी है, तुम्हें फोर्स मिनिमम निकालनी है, कम से कम। अब तुम्हारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, इक्वल टू 33 हैं। तो यानी कि अगर आपको ये वर्ड मिनिमम वर्ड यूज करना है तो यहां पर इक्वल टू लगा लो। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, मिनिमम है, क्योंकि फोर्स मिनिमम निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ सकते हो। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स कैसे निकलेगा, पाइथागोरस, तो एफ मिनिमम तो क्या किया था, एफ इंटू आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी इंटू एक्स था, मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू थी एम जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर थी, मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी बाई आर, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स निकाल लो पाइथागोरस से, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे। अब तुम इस आर को अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना, मैथ्स की प्रॉब्लम स्टार्ट है, फिजिक्स खत्म है। ऑप्शन मार्क करो जरा, क्या ऑप्शन आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो और ऑप्शन मार्क कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मार्क करें, एस ऑप्शन आएगा, आर अंडर रूट के अंदर जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन हो जाएगा, ऐसा। ये मैथ है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप पूरा मैथ लगा के ये ऑप्शन मार्क करना है, इतना तो कर ही लोगे। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ये ऑप्शन आएगा, ठीक, ये नहीं क्वेश्चन करना, ये करना है। क्वेश्चन को करने का तरीका बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली मैं वो उन फीडिंग नहीं कर सकता कि देखो मैंने क्वेश्चन कर दिया, आपको कि हाँ समझ में आ गया, उसे आपकी सिलेक्शन हो नहीं पाएगी कभी। फ़ायदा आपको तभी लगेगा जब मैं आपको हिंट दूँ ऐसे करने, और आप खुद ट्राई करें और अपना आंसर खुद निकाल लें। तो मैं हिंट देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास एम है और जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके सामने है, ये ना टी नहीं है, ये वाई है, करेक्शन कर लो,
आपको एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक्स है। आपको वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये टी है, राइट। आपको क्या चाहिए? पार्टिकल का मास एम गिवन है, आपको चाहिए टॉर्क निकालना है। कब? अबाउट ओरिजिन, जब टाइम की वैल्यू क्या है? जीरो। अब टॉर्क जो निकालना है वो के कैप में गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म में करने के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लगाना पड़ेगा, सही है, आर क्रॉस एफ लगाना पड़ेगा। अब आर वेक्टर क्या होगा? जो आर वेक्टर होता है, मान लो किसी भी पॉइंट पर जहां टॉर्क निकालना है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आप एक काम करेंगे, आप इसमें, और आपको टॉर्क कब निकालना है? जब टाइम क्या है? जीरो। तो टाइम जीरो पे यहां जीरो पुट करना, कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या बनेगा? एक्स नॉट प्लस ए बस आई कैप। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे काम करना है, तो अपने मन में आप टाइम जीरो पुट करो, कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो आर एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? एक्स नॉट प्लस ए बस। वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? टाइम को जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो होता है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वाई नॉट जे कैप, आर वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी, आप निकाल ली आपने, जब टाइम की वैल्यू क्या है इसमें? जीरो। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? अब आपको इसमें क्या निकालना है? आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आपको क्या निकालना है? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ वेक्टर होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। अब एक्सेलरेशन कैसे निकली कोई बताएगा? डिफरेंशिएट करना है, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगी अलोंग एक्स एक्सिस। y को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी अलोंग y एक्सिस। तो नेट एक्सेलरेशन पता है क्या होगी? नेट एक्सेलरेशन होगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। भाई ए एक्स भी है और ए वाई भी है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। डाउट इसमें? ए एक्स कैसे निकलेगा? तुम ये इक्वेशन लिखोगे, इसे दो बार क्या करोगे? डिफरेंशिएट। ए एक्स पुट कर लेना, तुम ये इक्वेशन लिखोगे, इसे दो बार क्या करोगे? डिफरेंशिएट। ए वाई आ जाएगा, लेकिन याद रखना जो भी एक्सेलरेशन निकालोगे और यहां पुट करोगे उसमें फिर टाइम को एंड में क्या पुट करोगे? जीरो। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो ए एक्स और ए वाई आएगा टाइम की फॉर्म में आएगा, फिर टाइम को जीरो पुट कर देना, क्योंकि आपको अपना क्वेश्चन कब सॉल्व करना है? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब नया एफ फैक्टर आ गया, फिर फाइनली आर वेक्टर क्रॉस एफ फैक्टर करना और होमवर्क करना, और होमवर्क करके आंसर मार्क करना। मेथड समझ में आया कि लॉजिक क्या क्या अप्लाई करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? देखो मैं हिंट देते, देखो मैंने दूसरे बैच में भी कहा और हमेशा हर साल बोलता हूं, मैं इतना तो जानता हूं कि एक बच्चे को अगर खुश रखना है तो बहुत सिंपल है, ये न्यूमेरिकल असाइनमेंट में दो, आराम से एक पेन लो और पहले लिखो एक्स वेक्टर और दो बार आराम से डिफरेंशिएट करके उसको ए एक्स दिखाओ, फिर ए वाई लिखो, दो बार डिफरेंशिएट करके ए वाई दिखाओ, और पूरे न्यूमेरिकल में 15 मिनट लगाओ। आपसे कोई पूछेगा कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। क्वेश्चन मेंस के होते हैं? होते हैं। इंस्टेड देखो, ये स्पून फीडिंग है कि मैं कहूँगा चलो मुँह खोलो, आपको कहेंगे हाँ जी खोल लिया जी, ये लो जी हो गया, आपसे क्लियर कुछ नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन करने के लिए घर जाएंगे, एक दिन दो दिन बाद उठाएंगे, तब तक आप भूल जाएंगे, आपका ब्रेन खुद सोचेगा इसको कैसे करना है, और आप एंड टू एंड रिजल्ट निकालेंगे, उसका फ़ायदा होगा, ये आपकी अपनी मेहनत है, ठीक। इसकी जगह मैं ये प्रेफरेंस हमेशा करता हूँ कि मैं आपको एटलीस्ट होमवर्क देने से पहले 10 क्वेश्चन और वैरायटी और करवा दूं, कहीं आप अटक ना जाएं और आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए। तो मैं आपको हिंट दे दे के छोड़ता जा रहा हूं, सॉल्व आप सबने खुद करने हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं हिंट दूंगा, सॉल्व आप करते जाना, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? ठीक है। तो इसमें 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44।
इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात को समझ लो। किसी ने एक एल शेप बॉडी ले ली, उसको धागे से लटका दिया और वो हिल नहीं रहा, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। नहीं तो होता क्या, एल शेप बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। वो कह रहे हैं रोटेट नहीं कर पा रही। तो अगर ये रोटेट नहीं कर पा रही और आपको सिर्फ एक चीज गिवन है कि ये और ये लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये और ये मास भी बराबर है, मतलब वेट भी बराबर है, तो आपको ये बताना है एंगल कितना है। जब मैं इस क्वेश्चन को करने लगा तो ना मैं सोच नहीं पाया यार ये ऐसे हवा में कैसे लटक गई। आप लटका के देख लेना, गारंटी है ये ऐसे लटक ही नहीं सकती हवा में, वो हिलेगी हिलेगी, आप लटकाओ झूलती हुई नीचे आ जाएगी। क्यों ऐसा कैसे? ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये फिगर गलत है, जिसने भी ये फिगर बनाई है सही नहीं बनाई। ऐसा क्यों? ये धागे आपको लगता है ऐसे टिका लोगे घर ले जाना, एल शेप स्केल दो स्केल चिपका लेना और लटका लेना, और अगर लटक जाए तो मेरे को बता देना कि लटक गई थी। क्यों? नहीं, कब कोई बॉडी लटकती है सही, मतलब एक हिलती नहीं है। हाँ चलो, इधर फोर्स है, एक और भी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के नीचे लाई करना चाहिए। भाई सेंटर ऑफ मास तो एक्सिस के इधर घूम रहा है, मतलब वो घूम रहा है, उसका वेट तो उधर घूम रहा है, और तुम कह रहे हो बॉडी ऐसे टिकी हुई है, ऐसे टिकने के लिए वेट भी तो यही होना चाहिए तभी टिकेगी। इसका वेट इधर घूम रहा है, इसका वेट इधर घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास हवा में यहाँ घूम रहा है, हवा में कब से सेंटर ऑफ मास घूमने लग गए? यार वो नीचे आएगा यहाँ टिकेगा तभी कुछ बात बनेगी, मतलब पूरी की पूरी फिगर ही उस तरफ है और कह रहे हैं टिकी हवा में टिकी हुई है, ऐसे कह रहे टिक जाएगी? नहीं टिक सकती, फिगर गलत बनी है। तो अगर आप सही फिगर चाहते हो तो सॉल्यूशन में सही बनी है, ये है सही फिगर, इसकी लेंथ इस एक्सिस को आगे क्रॉस करेगी तब टिकेगी, क्योंकि ये लंबाई इस एक्सिस को तो आगे क्रॉस करवानी पड़ेगी, उस एक्सिस से कुछ मास तो इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा तभी टिकेगी, नहीं टिकेगी नहीं, मतलब इस एक्सिस के कुछ मास इधर होगा कुछ इधर होगा तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो आपको जो रॉड लेनी है वो रॉड आपने लंबी लेनी है, ऐसे लेनी है, तो जो बुक का डायग्राम है वो सही नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी जिंदगी में आंसर निकाल नहीं पाओगे, गारंटी है, पक्की बात है, ठीक है। अब रूल समझो, देखो मेथड क्या है, मेथड कुछ ऐसा है, जरा इस फिगर को बहुत ध्यान से एक बार देखना, मेथड कुछ ऐसा है कि सपोज ये आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और मास एम है, तो इसका मास सेंटर ऑफ मास एम जी, ये रॉड भी एल है, इसका मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, वेट कितना है एम जी, ये एंगल कितना है थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो राइट एंगल ट्राइंगल में, या चलो ये भी 90 डिग्री पे है, तो उस केस में अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है 90 है, ओके ऐसा कर लो, चलो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ले लेते हैं, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, अब ये और ये भी 90 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया थीटा, तो बाई ज्योमेट्री मैंने ये एंगल कितना ले लिया थीटा, कोई डाउट इसमें? ज्योमेट्री क्लियर है थीटा की? आगे अब हम टॉर्क्स बनाने वाले हैं, टॉर्क कैसे ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं इस वेट की, इसका टॉर्क एम जी, इसका वेट क्या है एम जी, इसका एक्सिस ये बनेगा रोटेशन का जब बांध रखा है, इसे ऊपर बांध रखा है, तो फोर्स कहां पर है वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां मिलेगा एक्स में, तो ये इसका एक्सिस है ए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना है यहां पर, ये डिस्टेंस है, अब मुझे पता है कि ये लंबाई क्या है एल, तो आधी लंबाई क्या है एल बाई टू, तो ये लंबाई क्या है एल बाई टू, अगर ये थीटा है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये थीटा ये एल बाई टू, तो ये साइड क्या आएगी एल बाई टू इंटू साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा, कोई डाउट इसमें?
तो ये क्या आ गया mg, ये क्या आ गया l by 2 sin थीटा। समझ आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। तो इसका टॉर्क आ गया mg into l by 2 sin थीटा, एक टॉर्क आ गया। कोई डाउट? दूसरा टॉर्क निकालने, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसकी। दूसरा टॉर्क ध्यान से देखना, दूसरा टॉर्क ये वेट प्रोड्यूस करेगा। ये वेट कितना है mg, ये वेट कितना है mg, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ए पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, ये बनेगी, ये रहा। अब ये लेंथ निकालने कितनी है? देखो फोर्स अगर वाई एक्सिस में है तो डिस्टेंस एक्स में निकलेगा, बात पक्की है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, यहां तक लेना है, क्योंकि इसके बाद ए पॉइंट खत्म हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से लेना है। अब ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब एक चीज बताएं, अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूं पूरे का पूरा ऐसे, और आपसे ये पूछूं ये थीटा है, ये टोटल लेंथ एल है, तो ये टोटल लेंथ पूरी की पूरी क्या आएगी? एल कॉस थीटा, यही आएगी। अच्छा एल बाई टू, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, ये लो। मैं काम करूंगा, मैं ये ट्राइंगल लूंगा, सही है। इस ट्राइंगल में ये साइड कितनी है? L by 2, टोटल लेंथ L है तो L by 2, तो ये लेंथ क्या आएगी? L by 2 cos थीटा, ये लेंथ क्या आएगी? L by 2 cos थीटा, क्लियर है? L by 2 के ऊपर L by 2 cos थीटा। अब एक चीज और देख लें, मैं अब ये अगर ट्राइंगल लूं ऊपर वाला ऐसे वाला, ये ऑरेंज कलर का ऐसा, बस ये, अगर ये थीटा है और टोटल लेंथ ये एल है, तो ये लेंथ क्या आएगी? L साइन थीटा, ये पूरी की पूरी लेंथ ये ट्राइंगल ट्राइंगल में L साइन थीटा। ये लेंथ क्या आई? L बाई टू कॉस थीटा। ये लेंथ क्या आई? L साइन थीटा। तो बची हुई लेंथ क्या आई? L बाई टू कॉस थीटा माइनस L साइन थीटा, सही है? लगी ज्योमेट्री? कोई डाउट इसमें? मेडिकल में आने का चांस थोड़ा कम है इसका, क्वेश्चन ज्यादा ज्योमेट्री है इसमें यूज, नॉन मेडिकल में बोल नहीं सकता, ये तो आया हुआ है यार, छुपाऊं भी कैसे, बोल भी नहीं सकता कि नहीं आएगा, आया हुआ है, सही है। अच्छा क्वेश्चन डाला है, हो गया बस क्वेश्चन। इसका टॉर्क क्या था? mg into l sin theta, l by 2 into sin theta। इसका टॉर्क क्या है? mg into ये डिस्टेंस, इक्वेट कर दो यार, हो गया क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा mg into l by 2 sin theta, ये रहा दूसरा टॉर्क। इक्वेट करने का मतलब ये राइट साइड ले जाओ, इक्वेशन ही बनी हुई है, सॉल्व कर लो, टेन थीटा वन बाई थ्री आंसर। मेन चीज तो फिगर थी, मेरे को लगता है यार इसमें फिजिक्स कम और मैथ ज़्यादा यूज हुआ हुआ है, और मैथ भी यूज़ कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, फिगर का स्केल तो ठीक दे दे कम से कम, अरे कुछ तो डायग्राम बढ़िया दे दे, बच्चा सोच तो ले कि ये लेंथ लेनी पड़ेगी, इतनी इतनी अप्रोक्सीमेशन में बच्चा स्टूडेंट पूरी लेंथ कैसे बनाएगा, ये तो बताओ, मुश्किल है ये लेंथ बनानी इस तरीके से। पर चलो ठीक है यार, बात समझ में आ गई क्या करना है, कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन।
के अंदर एक स्लैब है, याद रखना ये स्लैब ऐसी है, ऐसी पड़ी हुई है, ये 2D बॉडी है, ये ऐसी ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है, और एक फोर्स लग रही है ऊपर F1 वेक्टर, एक फोर्स लग रही है F2 वेक्टर, ऐसे लग रही है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसमें मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज अबाउट पॉइंट O निकालना है, मतलब आपको नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क क्या होगा, एक टॉर्क होगा F1 की वजह से O पॉइंट पे, एक टॉर्क होगा F2 वेक्टर की वजह से O पॉइंट पे, और नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 वेक्टर सम आंसर आ जाएगा। तो आपको इसका आई कैप जे कैप में नेट टॉर्क निकालना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे इसमें, आप पहले इसमें नेट जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तुम टॉर्क 1 अलग निकाल दो, तुम टॉर्क 2 अलग निकाल दो, इन्हें ऐड कर दो, नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, नेट टॉर्क कैसे निकलेगा? एक एक करके करें, पहले F1 का टॉर्क निकालते हैं, राइट, फिर F2 को निकालते हैं, शुरू करें। बोलो F1 का टॉर्क, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, क्योंकि आंसर F की फॉर्म में निकालना है। हाँ एक चीज़ गिवन है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का F है, इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, आंसर F की फॉर्म में निकालते हैं। तो पहले ये बताओ, अगर ये फोर्स लग रही है F1 वेक्टर होगा क्या, बताओ, मैग्नीट्यूड इसका F है, कैप क्या लगेगा, के कैप, वो क्यों, क्योंकि ओ जेड एक्सेस है भाई, उसे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए जेड वाई और एक्स भी चेंज कर रखे हैं, तो कैप देख के, तो क्या लगेगा, के कैप। डाउट इसमें, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ कौन सा कैप चल रहा है, जेड, जेड का मतलब के कैप। अच्छा R1 वेक्टर लेते हैं, R1 वेक्टर होगा, R1 वेक्टर क्या होता है, इसके अबाउट टॉर्क निकलेगा, तो ये रहा आपका R1 वेक्टर, कि जहाँ फोर्स लग रही है और ओ पॉइंट से लेके फोर्स के डिस्टेंस को R1 वेक्टर बोलते हैं। R1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ऐसे देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल स्लैब है, तो R1 वेक्टर ऐसे है, इसके दो ऐसे कंपोनेंट, इस प्लेन में काम चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा है, तो दो कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर ये 6 मीटर है तो आधा कितना है, ये सेंटर है इसका, सेंटर का मतलब 3 मीटर है, पूरी स्लैब का सेंटर है, और अगर ये 4 मीटर है तो टोटल कितना है, ये आधा 2 मीटर है, सही है, आधा आधा कर लिया। तो R1 वेक्टर का, ये R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर में क्या लिखेंगे, 3 J कैप, 3 कहां पर है, J कैप, और 2 कहां पर है, I कैप, 2 के पीछे I कैप, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, R1 वेक्टर के कंपोनेंट क्लियर है, चलो आधा काम तो हो गया। तो टॉर्क वेक्टर जो था वो क्या था, ये था टॉर्क 2, तो आप इसमें टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो R1 वेक्टर आ गया, F1 वेक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, R1 क्रॉस F1 वेक्टर, तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में निकाल लेंगे, आधा आंसर आ गया। अब आधा आंसर निकालना है कैसे, R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर से करें स्टार्ट, ये ज़्यादा ट्रिकी है R2 और F2 वाला। कोई डाउट इसमें, चलो शुरू करें। देखो F2 वेक्टर में सबसे पहले F2 वेक्टर यहाँ काम कर रहा है, F2 वेक्टर अगर यहाँ काम कर रहा है तो मुझे सिर्फ ये बताओ इसका R वेक्टर क्या होगा, ये लो F2 वेक्टर यहाँ काम कर रहा है, तो ये रहा इसका R वेक्टर, राइट, ये रहा R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6, नीचे 6 है, ये भी 6 है, तो R2 वेक्टर की वैल्यू बोलो क्या आएगी, 6 के पीछे कौन सा कैप है, J कैप, Y के लॉन्ग है, तो 6 J कैप, R2 वेक्टर आ गया।
अब बात करते हैं एफ टू वैक्टर, ज्यादा ट्रिकी है एफ टू वैक्टर। एफ टू वैक्टर देखो कैसे, एफ टू वैक्टर है ये, लगता है कि ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये बोर्ड के अंदर जाएगा क्योंकि स्लैब हॉरिजॉन्टल है। अब ये देखें, आपकी जो स्लैब है वो हॉरिजॉन्टल स्लैब है और आपका एफ टू वैक्टर कैसे लग रहा है, आपका एफ टू वैक्टर ऐसे लग रहा है, ऐसे। ये पेन को मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, ये ऐसे है बोर्ड के अंदर, देख पा रहे हो? मतलब इमेजिन करो कि एक स्लैब देना है, रजिस्टर देना है, ये रेंद्र रेंद्र हो गया। इमेजिन करो ये स्लैब है, आपका एफ टू वैक्टर देखने में फोटो में लग रहा था ऐसे है, देखो ना, अगर मैं यहाँ खींच लूँ ऊपर तो ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, समझ आ रहा है? ये इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये एफ टू वैक्टर है, एफ टू वैक्टर के दो कॉम्पोनेंट होंगे, पहला कॉम्पोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट अंदर आएगा, इधर आएगा। तो एक कॉम्पोनेंट के पीछे क्या लगेगा, कौन सा कैप है बोर्ड के अंदर, कौन सा बोर्ड के बाहर, कौन सा कैप है एक्स, बोर्ड के अंदर कौन सा कैप है माइनस आई, तो इस कॉम्पोनेंट में माइनस आई लगेगा। और इस कॉम्पोनेंट में क्या लगेगा, इधर जाएगा ये कॉम्पोनेंट, तो ये वाई है तो माइनस जे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये ऐसा देखा जाए इसे, ये ऐसे देखा जाए, जिसके दो कॉम्पोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है, क्लियर है? इसीलिए जब आप एफ टू वैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक माइनस जे और एक माइनस आई है। तो आर वन क्रॉस एफ वन, आर टू क्रॉस एफ टू, हर की जगह एफ 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 पुट कर लेना, फिर घर जाके सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, आंसर आता रहेगा जो आएगा। पॉइंट समझ में आया कि क्या लॉजिक है इसमें? जो इजी क्वेश्चन है मैं नहीं करवा रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला बेस्ड है यार तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं, जहाँ तुम फंस सकते हो वो करवा रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो होमवर्क है ही, बाकी तो करते रहोगे सॉल्व। देखो इसमें एक ना एल शेप फिगर है, फोर्स लग रही है, थीटा एंगल पे लग रही है, तुम्हें तो नहीं मालूम ये थीटा कितना है क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में टैन थीटा निकाल रही है, पर एक चीज़ पता है तुम्हें, टॉर्क क्या चाहिए मैक्सिमम। अब तुम्हें टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट ए, चलो ए पॉइंट ले लें, ये रहा ए पॉइंट।
ये फोर्स है, ये फोर्स है। इस फोर्स का अगर मैं इसका डायग्राम रीड्रॉ करूं तो ऐसा ड्रॉ करना चाहता हूं, इस फोर्स का ये पॉइंट है, इस फोर्स का ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर में जो एंगल है वो 90 होना बनता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? आर एफ साइन 90। जब आर और एफ में एंगल क्या होगा? 90, तो मैक्सिमम टॉर्क है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इसलिए ये बात पक्की है, ये क्वेश्चन में गिवन है 4, ये क्वेश्चन में गिवन है 2, और ये मैंने सोच लिया कि ये एंगल 90 होगा ही होगा। तो अगर ये वेक्टर 90 है और ये थीटा गिवन है, तो फिर ये कितना बनेगा? ये दोनों 90 है, 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है, तो 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है, अभी डिस्कस हुआ मैक्सिमम टॉर्क है, तो अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना? थीटा। और ये भी 90 है, तो फिर ये कितना है? 90 माइनस थीटा, या ऐसे कर लो, ऑल्टरनेट एंगल है थीटा। अब इस ट्राइंगल में टैन थीटा क्या होगा? 2/4 आंसर करना ही नहीं है, टैन थीटा निकाल लो आंसर। बस सारी गेम इस पर डिपेंड करती है कि फोर्स और आर कितने एंगल पर होने चाहिए, 90। उसके बाद ये सारे एंगल बन जाएंगे। ट्राइंगल के अंदर घुसना है, ट्राइंगल के अंदर थीटा क्या होगा? बस उतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर थीटा पता लगे, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बना रखे हैं बनाने वाले ने, कमाल कर दी। सिर्फ लैडर के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ ना हुआ, दो सीढ़ियां सॉल्व करनी ये मत सोचना कि बात बन जाएगी। और कईयों के तो स्कूल के अंदर लैडर की प्रॉब्लम आ रखी है, और पेपर दे के गए हो, स्कूल में डाल दी और तो छोड़ ही दो, कॉम्पिटिशन तो छोड़ ही दो। ठीक, लेवल बनाना है, देश तरक्की में जाएगा तभी। लो
एक रॉड है और रॉड में ना ये मास है स्मॉल एम एम जी। इस रॉड को ना सेंटर ऑफ मास से बांधा नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से बांधते इक्विलिब्रियम में रहती, इसका वेट मान लो कैपिटल एम जी है, ये ऐसी रहती। साइड पे बांधोगे तो झूल जाएगी, एक नीचे ऊपर हो जाएगा, तो ना झूले और ना घूमे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, तो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे एक वेट लगा दिया एम जी, अभी झूलेगी नहीं क्योंकि उधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और एम और एक्स के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो बताओ वो ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, एम और एक्स स्क्वायर में, एम और वन बाई एक्स स्क्वायर में, एम और एक्स में, या एम और वन बाई एक्स में। मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट है तो एम, जैसे ये कैपिटल एम जी है तो ये डिस्टेंस एल बाई टू माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एल बाई टू है, ये तो एल बाई टू माइनस एक्स है, तो यहाँ का टॉर्क क्या बनेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ का टॉर्क क्या बनेगा, कैपिटल एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ऐसे बोल दें एम इंटू एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि जितना भारी मास होगा एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी और हल्का मास होगा तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस यही लगा लो एम इंटू एक्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है, यानी कि एम इज सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स। अगर मैं मैथ में ग्राफ एम और एक्स का बनाऊं तो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एम और एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ एम एंड वन बाई एक्स का बनाऊं, अब वन बाई एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, तो एम और वन बाई एक्स का बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा मालूम है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वन बाई एक्स को वाई मान लो अपने मन में, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया, फिर वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, स्ट्रेट लाइन। आंसर पता है क्या है, ये रहा एम वन बाई एक्स। 2018 और 19 का पेपर सबसे टफेस्ट है 23 सालों में, इससे मुश्किल पेपर नहीं मिलेगा, सारे जितने भी टेढ़े क्वेश्चन मिलेंगे 2018-19 के मिलेंगे और मिल नहीं सकते। और 24 का अगर तुम पेपर देख लो, मैं बता रहा हूँ, मतलब आप कहोगे कमाल है, बस अब तो तोड़ ही दूंगा पेपर, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक पेपर, वन वन लाइनर्स, हैरान हो जाओगे देख के, बेसिक जो क्लास के एनसीईआरटी के असाइनमेंट है उसमें से क्वेश्चन डाल रखे हैं आधे, सिर्फ 2024 और 23 का, दोनों पेपर ईजी हैं, 24 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, इतनी ईजी है। अब भगवान जाने तुम्हारी बारी में कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे, पर फिलहाल 2 साल से ठीक आ रहा है, इतने टफ नहीं आ रहे। चलो जो भी है, मेरा बताना फ़र्ज़ है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, बाकी होमवर्क आपने करना है। देखो सारे टॉर्क, और ये मत सोचना कि मैं ही सारी एमटीजी करवा दूंगा या मेंस की बुक करवाऊंगा, पर तुम क्या करोगे, तो स्पून फीडिंग हो गई ना यहाँ, ये तो तुम्हें भी अपना दिमाग लगाना है, तुम ट्राई करोगे, मैं डाउट्स देता जाऊँगा इसके।